हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। मैं हूं अंकित, फ्रेंच लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। अगर किसी को दो फॉरेन लैंग्वेजेस आती है तो वो अपने करियर में कैसे अच्छा खासा ग्रो कर सकता है, कैसे वो महीने के लाखों रुपए भी कमा सकता है, और इस टाइम पे इंडिया में ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेजेस है जिनमें अच्छा स्कोप है और अच्छी डिमांड है, जिन्हें सीखकर कोई भी अपने करियर में एक अच्छी खासी ग्रोथ पा सकता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं कई सारे लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन देता हूँ, जो लोग अपना करियर फॉरेन लैंग्वेजेस में बनाना चाहते हैं, या जो लोग कुछ और फील्ड्स में है, जैसे कोई आईटी फील्ड में है, कोई बीपीओ कॉल सेंटर्स में है, कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। तो मैं ज्यादातर मैंने एक सजेशन उन लोगों को दिया है, और वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके करियर में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आए, अगर आप चाहते हो कि आपका जो पे पैकेज है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, तो आप एटलीस्ट दो फॉरेन लैंग्वेज सीख लीजिए। दो फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए इतना इंसिस्ट लोगों को क्यों करता हूँ? देखिए, आजकल जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं स्किल्ड लोगों को हायर करना अपनी कंपनी में। कंपनीज चाहती हैं कि जितने भी इम्प्लॉयज को वो हायर कर रही हैं, तो वो जो इम्प्लॉयज हैं वो उनकी कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे पाए। कंपनी वॉन्ट्स स्किल्ड पीपल, और फॉरेन लैंग्वेजेस का आना अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है। अगर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आती हैं तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है। जितनी ज्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का ज्ञान आपको होगा, उतनी ही वैल्यू आपकी उस कंपनी में होगी। कल को जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो वहां पे जो रिक्रूटर्स होते हैं वो आपकी डिग्री में इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। उनको इंटरेस्ट है सिर्फ ये जानने में कि आपको और क्या क्या आता है, आप उस कंपनी के लिए कितना फायदेमंद हो सकते हो, ऐसी कौन सी आपके स्किल्स है, इसको यूज करके वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकती है। मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में ऐसे बहुत सारे मेरे ब्रदर्स हैं, कजन ब्रदर्स हैं, उन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज ली हुई है, किसी ने बीटेक किया, किसी ने एमबीए किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अच्छी जॉब्स नहीं लग पा रही है, अच्छे पे पैकेज पे उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो उन्होंने अभी कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना शुरू कर दिया ताकि उनकी एक अच्छे पे पैकेज पे जॉब लग पाए, क्योंकि उनको भी अभी ये बात पता पड़ चुकी है कि कंपनी जो है वो स्किल्ड लोगों को हायर करना चाहती है, इसलिए वो कई तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं। कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है, कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का डिप्लोमा कर रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, तो कोई ना कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज वो कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन लैंग्वेजेस के बारे में जिन्हें सीखने के बाद आप अपने करियर में अच्छी खासी प्रोग्रेस कर सकते हो। मैं जिन लैंग्वेजेस को रिकमेंड करता हूँ वो या तो होती है यूरोपियन लैंग्वेजेस या एशियन लैंग्वेजेस। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस। यूरोपियन लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो मैं तीन यूरोपियन लैंग्वेज को रिकमेंड करता हूँ। वो कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपको एटलीस्ट एक यूरोपियन लैंग्वेज तो सीखनी चाहिए। मैं आपको दो रीजन बताऊंगा कि क्यों किसी को एक यूरोपियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। पहला रीजन ये है कि इंडिया में इस टाइम पे इन तीनों लैंग्वेजेस में, जो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश है, इन तीनों लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा स्कोप है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स अगर आपको मिलेंगी इंडिया में कहीं पर भी, तो वो इन्हीं तीनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगी। इफ यू टॉक अबाउट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, इंस्टीट्यूट, बीपीओस, कॉल सेंटर्स, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वहां पर ये जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है वहां पर, इनमें आपको मैक्सिमम जॉब्स मिलेंगी। जो दूसरा रीजन है वो ये है कि यूरोपियन लैंग्वेजेस बहुत ही इजी लैंग्वेजेस होती हैं। अगर आपने इन तीनों लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज को एक साल तक भी लगातार सीखा अच्छे तरीके से, तो आप उसमें इंटरमीडिएट लेवल तक आ जाते हो। इन लैंग्वेजेस के इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, और इन एग्जाम्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक पहले अपना एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। इन लैंग्वेजेस में अगर आपका एक इंटरमीडिएट लेवल है तो आप जॉब करना शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं एशियन लैंग्वेजेस के बारे में। अगर हम एशियन लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर भी मैं तीन लैंग्वेजेस को रिकमेंड करता हूँ, एंड दैट इज कोरियन, चाइनीज एंड जापानीज। इन तीनों लैंग्वेजेस में बहुत पोटेंशियल है, ये तीनों लैंग्वेजेस बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज किसी को आती है, तो सबसे पहला जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपके लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये लैंग्वेजेस जानते हैं, एशियन लैंग्वेजेस। एशियन लैंग्वेजेस थोड़ी टफ होती हैं कंपैरेटिवली यूरोपियन लैंग्वेजेस के, इसलिए बहुत कम लोग हैं जिन्हें एशियन लैंग्वेजेस आती हैं। तो इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये लैंग्वेजेस आती है। ऐसे में कंपनीज ज्यादा से ज्यादा पैकेज देती है उन लोगों को जिनको एशियन लैंग्वेजेस आती है, क्योंकि ऑलरेडी लोग काफी कम है इन लैंग्वेजेस में। अब इन लैंग्वेजेस में से आप कोई भी दो लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो। आप चाहो तो एक यूरोपियन लैंग्वेज सीख सकते हो और एक एशियन लैंग्वेज सीख सकते हो।
या आप चाहो तो दो यूरोपियन लैंग्वेज सीख सकते हो और दो एशियन लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको करियर में क्या करना है, आप किस फील्ड में हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये चूज कर सकते हो। इन सारे लैंग्वेजेस के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। दो लैंग्वेजेस को अगर मैं यहाँ पर सीखने को बोल रहा हूँ तो इट डज नॉट मीन कि आपको दो लैंग्वेजेस इसी समय सीखनी है। आप पहले एक लैंग्वेज को सीखो और उसके बाद अगर आपको लगता है कि उस लैंग्वेज के थ्रू आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ हो रही है, उसके बाद जाके आप दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर आपने पहले कभी भी कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीखी है, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप यूरोपियन लैंग्वेज से अपनी शुरुआत कर सकते हो। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि यूरोपियन लैंग्वेजेस काफी इजी लैंग्वेजेस होती हैं। अगर आपने कोई यूरोपियन लैंग्वेज सीख ली तो आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि येस आई कैन लर्न अनदर लैंग्वेज, कि मैं एक दूसरी भाषा भी सीख सकता हूँ और इससे भी कठिन। अभी कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस टाइम पे हम लैंग्वेजेस कहाँ से सीखें, तो यहाँ पर आई वुड से कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस। आप सभी इस समय घर पे हो तो इस टाइम को यूटिलाइज करो कुछ नया सीखने में, कुछ नई स्किल्स को डेवलप करने में। लैंग्वेजेस सीखो, ऑनलाइन लैंग्वेजेस सीखो, जैसे मैं खुद फ्रेंच लैंग्वेज सिखाता हूँ ऑनलाइन। हर कोई इस समय ऑनलाइन सीख रहा है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। मैं खुद फ्रेंच सिखाता हूँ ऑनलाइन। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, यू आर मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कोर्स की सारी डिटेल्स, फ्रेंच क्लासेस की सारी डिटेल्स आपको वहां पर जाके मिल जाएगी। और इस टाइम पर लॉकडाउन अपॉर्चुनिटी भी चल रही है, मैंने 50% ऑफ किया हुआ है अपनी फीस में। आप कौन सी लैंग्वेज सीखने वाले हो या ऑलरेडी सीख रहे हो, ये मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना बाकी लोगों के साथ में। बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ में।